सलामती की दुआ है सबके लिए। डेजर्ट विलेज लाइफ के साथ दोस्तों मैं हूँ मुजफ्फर खुसो। दोस्तों आज मैंने दो बातें करनी थी, लेकिन उन बातों से पहले जी सर यही है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो हर वीडियो आप तक पहुँचे तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ तो आप तक हमारी हर वीडियो पहुँचेगी। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि वीडियो जो मैंने शुरू में वीडियो अपलोड की है उसमें धूप पड़ रहा है, धूप की वजह से आप देख सकते हैं कि वैसे धूप का फ़ायदा है, धूप की उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, लेकिन ये कि आज गर्मी सर्दियों का मौसम है तो धूप का फ़ायदा भी है। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि जो वीडियो शुरू आपने देखी है, शुरू में आप जो आपने वीडियो देखी है तो उसमें जो परिंदे दाना चुग रहे हैं उस तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ी भलाई है परिंदों को आप रोज़ दाना डाला करें। अगर आप दाना डालेंगे तो लाजमी है कि आपके पास परिंदे आएंगे। अगर आपके पास परिंदे नहीं भी आते तो आप दाना ज़रूर डाला करें तो इंशाल्लाह ज़रूर परिंदे आपके पास आएंगे। दूसरी बात यह है कि गर्मियों का मौसम शुरू होने लगा है, अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में यह है कि बंदा एक हद तक धूप सह सकता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं सह सकता। तो गर्मियों के मौसम में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि बंदे को प्यास लगता है। अगर इंसान अपने अंदर प्यास महसूस करता है तो लाजमी है कि वो परिंदे जो उड़ रहे होते हैं, जो अपने लिए ज़रिया जो है पानी को हासिल नहीं कर सकते, तो इंसान हम जैसे इंसानों को चाहिए कि उनके लिए पानी का इंतज़ाम करें, अपने आस पास अपने घर अपने दोस्तों से कहें और दोस्तों के साथ मिलकर करें। तो लाजिम है कि कोशिश करें कि जो आगे गर्मियों का मौसम सीज़न आने लगा है तो उसमें परिंदों का इंतज़ाम लाजमी पानी के लिए पानी का इंतज़ाम परिंदों के लिए लाजमी करके रखें। कहीं भी रख कर सकते हैं, जहाँ पे आप अगर आपका लान है तो लान में रखें, अगर छत के ऊपर रख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी जगह आपको बेहतर लगे वहाँ पर आप लाजमी ये चीज़ करें। और दूसरी बात जो ये है कि दरख्त, अभी भी मैं वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि मैं एक पौधा लगा रहा हूँ नीम का पौधा, तो दरख्त भी लाजमी लगाएं क्योंकि गर्मियों के मौसम में दरख्त का जो फ़ायदा है वो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं, हर कोई चाहता है कि वो गर्मियों के मौसम में साए के नीचे बैठे, अपनी गाड़ी तक साए के नीचे खड़ी करे। तो जहाँ तक हम चाहते हैं कि गाड़ी भी साए के नीचे खड़ी करें तो साए के लिए लाजमी है कि हमें दरख्त लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। नीम के दरख्त लगाएं क्योंकि नीम का दरख्त उसमें यह है कि उसमें जितनी नीम के दरख्त में यह है कि उसमें कड़वाहट है वो आपके अंदर की कड़वाहट को ख़त्म करेगा, क्योंकि जहाँ जब नीम के दरख्त ख़त्म हो गए थे ख़त्म हो जाते हो गए तो वो एक कहावत है कि लोगों के अंदर करख्त वो क्या कहते हैं सख्ती वो पैदा हो गई, वो कड़वाहट पैदा हो गई। तो लाजमी है कि नीम के दरख्त भी लाजमी लगाएं। अगर नीम के दरख्त के अलावा जो भी आपको अच्छी लगे, जो दरख्त आपके ये कि पसंद हैं वो लाजमी लगाएं, कीकर के दरख्त हो गए, सुहांजना के दरख्त है वो लाजमी लगाएं, जो भी दरख्त आपको पसंद है वो लाजमी लगाएं, लेकिन दरख्त लाजमी लगाने हैं गर्मियों के मौसम के आगाज़ से पहले लगाएं तो उसका फ़ायदा हम सब जानते हैं। ज़्यादा जोर नहीं देनी मैंने हर किसी भी बात पे। और यह कि दोस्तों आगे आपने मैं दरख्त लगा रहा हूँ, दरख्त लगाने का तरीका आप सबको पता है, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।